नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दिग्गज बिजनेसमैन, अरबपति और दानवीर कहे जाने वाले रतन टाटा का निधन हो गया। यह खबर सुनकर करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्या के चलते मुंबई के ब्रीज कैंटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। 7 अक्टूबर को कुछ परेशानी होने के चलते उन्हें जाया गया था, जहां उनकी हालत और बिगड़ गई और निधन हो गया। अब उनके निधन के बाद वह कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, यह सब जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि रतन टाटा ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा समूह की अगुवाई की थी। टाटा समूह को उन्होंने बुलंदियों तक पहुँचाया था। उन्होंने टाटा ग्रुप को नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनियां बनाया था। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया था। टाटा समूह आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को एक नई पहचान दिलाई, नया नाम दिलाया। आज टाटा ग्रुप की वह अहमियत है जो देश नहीं बल्कि दुनिया में जानी जाती है। उन्होंने कई बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया था, जिसमें टेटली, जैगवार, लैंड रोवर, कोरस जैसी कंपनियां शामिल है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गया था। बता दें कि टाटा ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। घर की रसोई से लेकर आसमान में हवाई जहाज तक के यह नाम मौजूद है। समूह की 100 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां, इनका कुल कारोबार $300 अरब का है। रतन टाटा की संपत्ति के बारे में तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के रतन अपने पीछे अनुमानित करीब 3,800 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गया। रतन टाटा को उनके सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता था, क्योंकि सबसे बड़े दानवीर उन्हें कहा जाता था। जी हाँ, रतन टाटा एक ट्रस्ट के चेयरमैन थे जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्र में काम करते थे। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कभी नहीं भुलाया जा सकता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। बता दें कि दुनिया में फैले कारोबार को देख उनकी संपत्ति का आंकड़ा आपको कम लग सकता है, और उनके पीछे की वजह बताएं तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में जाता था। रतन टाटा अपनी दरिया दिली के लिए दुनिया भर में जाने जाते। टॉप दानवीर में उनका नाम शुमार था, जो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया करते थे। बता दें कि यह दान टाटा ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी के तहत फर्मों द्वारा की गई कुल कमाई का 66% होता था। हर किसी के लिए वह मददगार थे। 2004 में आई सुनामी हो या फिर देश में कोरोना महामारी का प्रकोप, हर समस्या के समय, हर संकट के समय रतन टाटा हमेशा लोगों के आगे खड़े रहे हैं। न केवल सामाजिक कार्य बल्कि आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों को भी वो हमेशा मदद देते रहे। ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता था। टाटा एंड वीमेन सर रतन टाटा स्कॉलरशिप और टाटा स्कॉलरशिप के जरिए उनको मदद, और अब वह अपने पीछे 38 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गया। ऐसे थे दानवीर रतन टाटा। आप इनकी दानवीरता पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।